Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope all of you are fine, all of you are good. Today we are going to discuss a beautiful poem, but before starting the video, I request you to subscribe my channel so you can get all the notifications of new videos. So let's start the poem. Stopping by woods on a snowy evening. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ब्यूटीफुल पोएम है जो आज हम पढ़ेंगे. स्टॉपिंग बाय वुड्स, जंगल के साथ रुकना ऑन अ स्नोई इवनिंग, एक बर्फीली रात को, बर्फीली शाम को, बहुत ही ठंडी शाम को, रात को जंगल के पास रुकना. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं और वो एक मॉडर्न पोइट हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 को पैदा हुए, 1963 को उनकी डेथ हुई, और वो नेचर के पोइट हैं. नेचुरल एस्पेक्ट्स पे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और नेचर लवर हैं वो. ही ऑलवेज रोट इन ईजी एंड सिंपल वर्डिंग. उन्होंने हमेशा सिंपल वर्डिंग को, ईजी वर्ड्स का यूज़ करके उन्होंने लिखा है. आज की पोइम पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी ईजी पोइम्स वो लिखते हैं, कितनी ईजी उनके वर्ड्स हैं. अगर बात करें उनकी फेमस पोइम्स की, तो रोड नॉट टेकन, मेंडिंग वॉल्स एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये उनकी फेमस पोइम्स हैं. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं. और अगर आप चाहते हैं कि मेंडिंग वॉल्स और रोड नॉट टेकन पर भी आपको वीडियोस मिले, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो डाल सकूँ. पोइम स्टार्ट करते हैं. Whose woods these are? I think I know. ये जंगल किसका है? मुझे लगता है कि मुझे पता है. His house is in the village though. अगरचे जिसका ये जंगल है, उसका घर गांव में है, यहाँ पास नहीं है. He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकते नहीं देख पाएगा. To watch his woods fill up with snow. उसके जंगल को बर्फ़ से ढका हुआ देखते हुए वो मुझे देख नहीं पाएगा. इन लाइन से हमें पता चलता है कि पोइट जो है वो किसी जंगल के पास खड़ा है और जंगल बर्फ़ से ढका हुआ है, और पोइट को पता है कि उसका मालिक जो है, जंगल का मालिक जो है, वो यहाँ आसपास नहीं है. तो वो, चूँकि उसका घर गांव में है, तो वो मुझे यहाँ जंगल की इस ब्यूटी को, इस खूबसूरत मंज़र को, उसके जंगल की ब्यूटी को इंजॉय करता देख नहीं पाएगा. इसलिए वो बिल्कुल रिलैक्स है और वो देख सकता है. माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. मेरा छोटा घोड़ा जो है, अगरचे वो जानवर है, लेकिन इस अजीब सूरत हाल को वो बड़ा अजीब महसूस कर रहा है कि आज फार्म हाउस भी पास नहीं है, फिर भी हम यहाँ रुके हैं, तो इसका क्या माजरा है. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, इस जंगल के दरमियान और जमी हुई ठंड की वजह से पानी जमा हुआ है उस झील के पास. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और रात इतनी तारीख है, यूँ लगता है जैसे रात जो है वो साल की सबसे तारीख रात है. तो इस तारीकी में घने जंगल के पास, जमी हुई झील के पास, जहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं है, यहाँ पे रुकना उसके पोनी को, उसके छोटे घोड़े को अजीब लगता है. और वो बड़ा हैरान होता है कि आज मास्टर यानी मेरे आका यहाँ पे आखिर क्यों रुके हैं. वो इस बात पे हैरान है, शायर को इस बात का पता है, लेकिन वो ब्यूटी को इतना लाइक करते हैं कि वो वहाँ पे रुक गए हैं. ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल्स अ शेक, वो अपने गले में बंधी हुई घंटी को हिलाता है, बजाता है. टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये जानने के लिए कि क्या उनसे कोई गलती हो गई है. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और उस घंटी की आवाज़ के अलावा वहाँ पे जो आवाज़ आती है ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, वो हवा की सरसराहट या बर्फ़ के गालों के गिरने की आवाज़ के अलावा नहीं है. यानी सिर्फ वहाँ पे दो आवाज़ें हैं, एक घोड़े की घंटी के बजने की, और दूसरी आवाज़ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हवा की या बर्फ़ के गालों के गिरने की है. यानी इतनी ज़्यादा खामोशी है, और उसका घोड़ा परेशान है कि ऐसी जगह पे हम लोग क्यों खड़े हैं, क्या गलती से यहाँ पे हम खड़े हैं. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल खूबसूरत है, तारीक है और गहरा है, घना है. बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप, लेकिन मैंने कुछ वादे किए हैं जिनको मुझे पूरा करना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप,
और मुझे सोने से पहले मीलों चलना है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे स्लीप से पहले सोने से पहले बहुत से काम करने हैं, बहुत कुछ निपटाना है, बहुत से वादे पूरे करने हैं। यहाँ पे या तो हम कह सकते हैं कि स्लीप से मुराद जो है वो रेस्ट है, पोइट रेस्ट करना चाहता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को जो वो देख रहा है, डार्कनेस जो है और जो इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, ये चीज़ जो है ये डेथ को रिप्रेजेंट करती है। और डेथ से पहले पोइट बहुत कुछ करना चाहता है, उसको अपने वादे याद आ रहे हैं, उसको अपने काम जो अधूरे पड़े हैं वो सारे याद आ रहे हैं, और वो कहता है कि मुझे अभी काम करने हैं रेस्ट से पहले या डेथ से पहले। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को एज अ डेथ लेते हैं या एज अ रेस्ट लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मीनिंग्स जो हैं वो यही हैं कि ये डेथ है। डेथ से पहले पोइट को पता है कि अब तारीकी है, यानी उम्र ढल गई है, मरना जो है वो करीब है, मौत करीब है, लेकिन बहुत से काम हैं जो करने। उम्मीद है कि आपको आज की पोइम बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई पोइम के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।